सबका साथ सबका विकास। और जब तब बीच में कुछ लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब पता नहीं मुसलमान के साथ क्या हो जाएगा, खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और डाला धक्का के उनका वोट लेने का काम किया। तो माननीय मोदी जी, विश्वास आप देख ले कहीं पर भी, अपने गांव में देख ले, आपके यहाँ 200-250 वोट शायद मुस्लिमों के हैं, 200-250 आपके जाटा भाई भी हैं और अन्य बिरादरी सभी हैं यहाँ पर। कोई ऐसा व्यक्ति आप मुझे दिखा दो कि जो लाभान्वित ना हुआ हो। और जो मैं कहता हूँ, जो बड़े बड़े चौधरी हैं, जो बड़े बड़े ईमानदार लोग हैं, सरमाएदार लोग हैं, उनको भी कोई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से वैक्सीन फ्री देने का काम किया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको फ्री कुछ ना मिला। बाकी मैं तो यही कह रहा हूं कि ज्यादा लंबा छोड़ा भाषण का आवश्यकता नहीं है। मेरा पुराना गांव है, अभी आदरणीय विजय जी कह रहे थे कि यहां पर भाजपा के बीच में टाइम भी काम हुआ, बाकी काम नहीं हुआ। लेकिन मैं जब सांसद रहा तब मैंने भी सीसी रोड बनाने का काम अपने गाँव में किया था। भाजपा और लोकदल का पैक्ट था, इसलिए तो मैं तो ऋणी हूँ, आप सभी का कर्जदार हूँ। अभी फारूक भाई ने भी एक बात कही डीलर साहब ने, भाई जब सभी दे रहे हैं तो सब इकट्ठा दे दो। राजपाल सिंह यादव जी ने कही, वैसे तो मैं बीएसपी का था 22 साल से जी, लेकिन नागपाल जी, मैं तुम्हारे नाम पे तुम्हारा करवाऊंगा। तो मैं तो नहीं हूँ आप लोगों का, भाई ऐसा कर लो, एक आदमी तय कर लेना गांव के अंदर, वो सामने खड़ा करवा के सबके वोट एक साथ डलवा दे, ऐसा काम कर लेना। और किसी और सम्मान थोड़ा सा, जब सभी जाति सभी धर्म के लोग एक पक्षी एक सूत्र में बंध गए, तो एकता का परिचय देते हुए ऐसा परिचय दे कि जब गुल्लक खोले तो आदमी जब देखेगा देवेंद्र नागपाल इतने वोट ले हैं, किसी और का वोट नहीं निकला है, तो हाँ सम्मान प्रत्येक व्यक्ति का अपने आप बन जाता है। वोट से ही सम्मान है। यहाँ जो नेता लोग आ रहे हैं या दुनिया आ रही है, वो खाली एक वोट की खातिर आ रही है, मैं हूँ या कोई और हूँ। और जब वोट का सम्मान नेता को मिल जाता है तो उसकी मजबूरी हो जाती है आपका सम्मान करना, आपका काम करना और आपका विकास करना।